सो गाइज, ये है कैफे आज़मी जी का बंगला है, जो भी सबाना आज़मी जी उनकी बेटी हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो गाइज, आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है, क्योंकि इसी जिले के रहने वाले एक राइटर का आज बर्थडे है, जो कि आज के ही दिन वो पैदा हुए थे, 1919 में पैदा हुए थे। और वो राइटर थे और वो पोइट्री भी लिखा, कई सारी पोइट्री लिखा है, कई सारे गाने लिखे हैं और कई सारी शायरी लिखी हुई है उन्होंने। कमाल के एक्टर राइटर थे, जिनका आज बर्थडे मनाया जा रहा है यहाँ पे, जो कि ये आज़मगढ़ के थे। और आप तो शायद समझ गए होंगे, मिस्टर कैफे आज़मी जी, जो उनका आज बर्थडे है, जिनकी कमाल की एक्ट्रेस बेटी थी सबाना आज़मी जी। सो वो हर साल यहाँ पे आती हैं अपने फादर के बर्थडे पे। सो आज आई हुई हैं, बट मुझे मिलना पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ उनके बंगले की तरफ, जो कि यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं और दिखाता हूँ थोड़ा सा उनके घर का नज़ारा। गाइस, अभी हम आ गए हैं कैफ़े आज़मी रोड। ये देख लीजिए, कैफ़े आज़मी जी का नाम लिखा हुआ है। और ये तरफ अंदर जाएंगे तो सीधा उनके घर की तरफ जाएगा, जो मेजवा नाम है उनके गांव का, वहां पे चलते हैं गाइस। और ये बाजू में हाईवे है, ये रोड पूरा जहां तक जाएगा अंदर, उनके ही नाम से है, कैफ़े आज़मी रोड है। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं अंदर की तरफ। सो गाइज, ये देख लीजिए, सबाना आज़मी रोड है। ये जो राइट जाएंगे सबाना आज़मी रोड है, और ये जो सीधा रोड है ये कैफ़े आज़मी रोड है, जो हाईवे पे सीधा टच होता है, और ये मार्केट होके जाता है सबाना आज़मी रोड अपना राइट साइड से। मुझे दे दो मामा। सो गाइज, ये है सबाना आज़मी रोड और ये है कैफ़े आज़मी रोड। तो गाइज, ये है कैफ़े आज़मी का इंटर कॉलेज, जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है। इन्होंने बनाया है कैफ़े आज़मी के नाम से बनाया हुआ है, सबाना आज़मी जी ने बनाया हुआ है। ये पूरा गर्ल्स है और यहाँ पे आज प्रोग्राम रखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। सो गाइज, अभी हम पहुँच चुके हैं कैफ़े आज़मी, जो कैफ़े आज़मी थे उनके नाम से ये कॉलेज है, सबाना आज़मी ने बनवाया है, देख सकते हैं ऊपर नाम लिखा हुआ है। और गेट से अभी यहाँ एंट्री करेंगे। अभी हम आ गए स्टेज के पास, ये पीछे स्टेज बना हुआ है उनका, कुछ अभी प्रोग्राम होने वाला है। और ये देख लीजिए, मेरे पीछे पूरा प्रोग्राम चालू है, ये सबाना आज़मी जी फूल जो फूल का माला पहने हुए बैठी हुई है, उनका इंटरव्यू चालू है। गाइस, देखते हैं आगे का क्या हो रहा है। अभी देखिए गाइस, ये जी है सबाना आज़मी जी है। अमर क्रांतिकारी, भारत माता के महान सपूत, जिन्होंने फांसी के तख्ते को
आ रहे हैं उनके घर की तरफ। ये रोड जो है, ये पीछे स्कूल था उन्हीं का, अभी वहाँ पे प्रोग्राम चालू है क्योंकि हर साल चालू ही रहता है। अभी जा रहे हैं उनके घर की तरफ, घर थोड़ा आगे है, यहाँ से 2 मिनट लगेगा पहुँचने के लिए। तो गाइस जा रहे हैं उनके घर की तरफ और दिखाता हूँ मैं उनका घर, जो कि गांव है, निजमा गांव। उनके फादर जी का जन्म हुआ था यहाँ पे और कभी कभी आते भी थे। सो उनकी याद में हर साल ये आती हैं, उनका बर्थडे भी मनाती हैं, जो कि बर्थडे था उनका आज 14 जनवरी है, आज ही उनका बर्थडे रहता है। सो गाइस वो पैदा हुए थे 1919 में और उनकी डेथ हो गई थी 2002 में उनकी डेथ हो गई थी। अभी जा रहे हैं उनके घर की तरफ। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा बंगला है उनका, फिर दिखाता हूँ मैं उनका बंगला थोड़ा सा। ये है सबाना आज़मी जी का बंगला, जो कि बाउंड्री है चारों तरफ और अंदर एंट्री किसी को भी नहीं है। यहाँ पे रहता कोई भी नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड रहता है और कोई है नहीं। अभी जा रहे हैं हम उस गेट की तरफ, उनके गेट की तरफ, घर के गेट की तरफ जा रहे हैं। बट रोड वगैरह बाकी काफ़ी क्लीन है, साफ़ सफाई है, मेंटेन किया हुआ है, वेल मेंटेन किया हुआ घर। ये देख लीजिए बाउंड्री है, अब यहाँ से टन है। सो गाइस ये है कैफे आज़मी जी का बंगला है, जो भी सबाना आज़मी जी उनकी बेटी हैं। सो यहाँ पे रहती नहीं है, बट यहाँ पे जो देखभाल करने वाले वही रहते हैं। 1983 में ये बंगला बनाया गया था और आसपास में देख लीजिए गाइस, सिर्फ गाँव है और कुछ भी नहीं है। ये मेजमा गांव है और काफ़ी बड़ी बाउंड्री बनाई गई है यहाँ पे। वो रहती नहीं है कभी, वो एक साल में एक बार आती है उनके, जब फादर जी का बर्थडे रहता है जब भी आती हैं 14 जनवरी को, यहाँ पे हर साल मौजूद रहती हैं। यहाँ पे देख लीजिए सख्त मनाही है अंदर एंट्री करना, बिल्कुल बंद है। माता पिता का यहाँ पे स्टैचू बनाया हुआ है अंदर की तरफ, जो कि एंट्री नहीं है तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाऊँगा। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये थोड़ी सी वीडियो थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। सो गाइस आई होप आपने इंजॉय किया होगा, कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।